सब्सक्राइब करो दिव्या पंजाब टीवी अते बैल आइकन प्रेस करो नवीं अते ताजियां खबरां वेखण लई। सत श्री अकाल जी, तुसीं वेख रहे हो दिव्या पंजाब टीवी ते मैं हां साहिल मेहता। ते इस वेले दी वड्डी खबर साबका डीजीपी सुमेत सैनी दे नाल जुड़ी हुई आ रही है। जी हां, तुहानूं दस देना चाहुंदा कि सुमेत सैनी ने जिहड़ी अपनी गिरफ्तारी ते रोक लई अगाऊ जमानत लगाई सी, जिस तों बाद जिहड़ा आ वड्डा फैसला अज कोर्ट दे वल्लों आया गया। जेकर मैं इस केस दी गल करां तां ये 1991 का केस है, बलवंत सिंह मुल्तानी अगवा मामले च जिहड़ा ये केस सीगा, जिस दे विच इन्हां नूं जिहड़ा पैनल दे विच रख्या गया सीगा, ते इन्हां दी गिरफ्तारी दी इन्हां दे उत्ते तलवार जिहड़ी आ लटक रही सी, जिस तों बाद अज इन्हां नूं इक राहत मिली है। बलवंत सिंह मुल्तानी अगवा मामले च वड्डी राहत जिहड़ी आ सुमेत सैनी नूं मिली आ। मोहाली अदालत दे वल्लों सुमेत सैनी दी गिरफ्तारी दे उत्ते रोक लगा दित्ती गई है। सुमेत सैनी नूं अगाऊ जमानत भी मिल गई है ते गिरफ्तारी भी जिहड़ी हुण नहीं होवेगी। ते वड्डी खबर है इस वेले दी सुमेत सैनी दे नाल जुड़ी हुई, ते एक राहत दी खबर भी है उहनां दे लई, क्योंकि कितना किते 29 साल पुराना केस जिहड़ा चल रहा सीगा, जिस तों बाद जिहड़ी आ सुमेत सैनी नूं वड्डी राहत मिलदी दिखाई दे रही है। तुहानूं दस दईए कि पिछले दिनी सुमेत सैनी दे उत्ते गिरफ्तारी दी तलवार लटक रही सी, जिस तों बाद हुण सुमेत सैनी दे वल्लों जिहड़ी अगाऊ जमानत जिहड़ी लगाई गई सी। पहलां इस ते फैसला शनिचरवार नूं होणा सी, पर उस तों बाद जिहड़ा इहदा फैसला आ उह सोमवार यानी कि अज ते मुलतवी कर दित्ता गया सीगा। ते जिहड़ी उहनां दी हुण जमानत दे उहनां नूं मिल गई आ, ते जिहड़ी गिरफ्तारी दे उत्ते भी रोक लग गई है। इस वेले दी वड्डी खबर है सुमेत सैनी दे नाल जुड़ी हुई आ रही है। ते उधर जेकर मैं गल करां ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਲ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।